हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे लगा था, चार मैच में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान को हरा दिया और पाँच मैच की सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तान अब तक एक भी मैच जीत नहीं पाए। पाकिस्तान के लिए सीरीज बहुत ही बुरा रहा। तो बात करते हैं पांचवी टी ट्वेंटी मैच की, जो कि 21 जनवरी को हैगली ओवल क्रिस्टर्ज में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड यहां पे क्लीन स्वीप करना चाहेगी। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी और बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी 51% रहेगा, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहां पे 50% जीतने का चांस है। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते, जहाँ पर दोनों के बीच में टोटल मैच 38 खेले गए हैं। तो न्यूजीलैंड ने 17 मैच जीत के आ रही, तो पाकिस्तान 20 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम न्यूजीलैंड का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और अब तक चारों मैच में अपना झंडा फहरा रही है। पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। लास्ट गेम में बात करें तो ओपनिंग में जहाँ पर फिन एलन टीम साइफर्ट की जोड़ी हिट थी, फिन इस वक्त तो हल्का मचा कर रखे हैं। अब तक चार मैच में 253 रन बनाए। वहीं टीम को लीड कर रहे हैं मिचेल सेंटनर, नंबर तीन पे विलियम है। टीम का मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ग्लेन फिलिप्स एंड डेरी मिचेल है, दोनों लास्ट गेम में पार्टनरशिप करके मैच को जिताया था। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट पर बात करें तो टीम एक होकर परफॉर्मेंस कर रही है। टीम सऊदी ने अब तक चार मैच में सबसे ज़्यादा 8 विकेट लिए हैं। टीम ब्रेक थ्रू के लिए मैट हनी या लॉकी फर्गुसन से एक्सपेक्ट करती है, दोनों लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर फिन एलन है, टीम साइफर्ट है, विलियम, ग्लेन फिलिप्स, डेरी मिचेल, मार्क चैंपियन, एडम जंपा, टीम सऊदी, मैट हेनरी, मिचेल सेंटर और लॉकी फर्गुसन है। इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे फिन एलन 4 इनिंग में 253 रन है, एवरेज 63 का। दूसरी प्लेयर की बात करें तो डेरी मिचेल 4 इनिंग में 158 रन है, एवरेज 52 का। तीसरी प्लेयर की बात करें तो टीम सऊदी 4 इनिंग में 8 विकेट है, इकोनॉमिक 6.2 का। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम पाकिस्तान का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के स्टार्ट बहुत ही खराब रही, चारों मैच पीट कर आ रही है, टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, टीम सब बुरी तरह से फेल चल रही है। टीम मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 का सिलेक्ट नहीं कर पा रही है। बैटिंग में जहां पे देखते हैं तो टीम में रन बनाने के लिए ओपनिंग बैटर सैम है, जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने लास्ट गेम में सबसे ज़्यादा 90 रन बनाए, तो वहीं टीम के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है पूर्व कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में आना। फखर जमन नंबर 4 पर चल रही है। इफ्तिकार अहमद, जो कि मैच फिनिश करने में पूरी तरह फ्लॉप चल रहे हैं। विकेट कीपिंग में आजम खान लास्ट गेम में ड्रॉप होते हैं। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो वो भी फेल चल रही है। हर मैच में टीम खूब कंसीड रन कर रही है। साइंस अफरीदी, हरीश रॉफ लीड करेंगे। हरीश रॉफ ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट लिए हैं अब तक, लेकिन रन भी बहुत पिटवा रहे हैं। अफरीदी ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। वही अमर जमाल ने, अब्बास अफरीदी लास्ट मैच में ड्रॉप थे, उनकी जगह पे मोहम्मद वसीम और जमान खान टीम में शामिल थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे साइंस अफरीदी जो कि कप्तान है, मोहम्मद रिजवान जो कि वाइस कैप्टन है, विकेट कीपर है, फखर जमन, सैम है, बाबर आजम, इफ्तिकार अहमद, फिर फरहान है, मोहम्मद वसीम है, जमन खान, हरीश रॉफ, मोहम्मद नवाज। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करें तो जहाँ पे पहली प्लेयर है बाबर आजम, जो कि 4 इनिंग में 200 रन बनाए, एवरेज 50 का। दूसरी प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, जो 4 इनिंग में 146 रन है, एवरेज 48 का। तीसरी प्लेयर की बात करें तो हरीश रॉफ, जो कि 4 इनिंग में 7 विकेट लिए, इकोनॉमिक 8.5 का है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर रिसेंटली की बात करें तो 4 मैच में काफ़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ मैच जीत के आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान को अगेन हरा सकती है और 5 मैच की T20 सीरीज भी जीत कर जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।